देखो वीडियो में वो जो फुटेज है उसमें क्लियर है और आप पूरी वीडियो देख नहीं सकते अगर आपकी बेटी है या बेटा है, अगर आप औलाद वाले हैं देख नहीं सकते आप। दिल्ली में 20 साल के एक लड़के ने जिस अंदाज में 16 साल की लड़की का कत्ल किया उसकी तस्वीरें देखकर हर कोई टहल गया। 3 बहनों का इकलौता भाई और एसी मैकेनिक का काम करने वाला साहिल घर वालों के लिए कमाऊ बेटा हो लेकिन उसका हर अंदाज और हर तौर तरीका बता रहा है वो एक बिगड़ैल और सनकी शख्स था। साहिल के लिए हिंसा, आतंक, बंदूक, शराब जैसी चीजें आम थी। साहिल के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मिले कुछ वीडियोस उसकी पूरी काली हकीकत बयां करते हैं। वो आतंक मचाने की बात करता है और पीछे से गोली की आवाज़ें आती हैं। वो शिकायत करता है कि प्यार करने के बाद लड़की भूलने के लिए कैसे कह सकती है। वो हथकड़ी में अपनी फोटो शेयर करता है। आपको बता दें दिल्ली के शहबाज डेई इलाके में एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या की गई थी और जिसके बाद लड़की पर सरेआम 40 से ज्यादा वार किए गए थे और उसके बाद भी जब सिरसिरे का दिल नहीं भरा तो उसने पत्थर से लड़की को मारा था। इस बेहद सनसनीखेज वारदात को रविवार को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा था कि लड़की की उम्र 16 साल है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की अपने दोस्त साथ जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने जा रही थी तब रास्ते में इस सिरफिरे लड़के ने लड़की को रोका और उस पर चाकू से दनादन हमला कर दिया। इस पूरी घटना का एक फुटेज सीसीटीवी में भी कैद हो गया था जिसको अब हर कोई देखकर हैरान हो चुका है। आपको बता दें शाक्षी के कातिल उसके बॉयफ्रेंड को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। साहिल खान नाम का ये युवक बेहद दोस्तों के साथ शराब पार्टियां करता था और फिर उसके वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करता था। वो धुएं में हर वक्त गम उड़ाता रहता था। आपको बता दें मृतक शाक्षी के कत्ल में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी उसका बॉयफ्रेंड साहिल खान है जिसको बुलंदशहर से दिल्ली लाया गया है। साहिल का फोन पहले ही बरामद किया जा चुका है। फोन से काफी सबूत मिल सकते हैं। साहिल की बुआ ने उसके पिता को फोन किया था, इसी से पुलिस को साहिल की लोकेशन मिली। साहिल जैन कॉलोनी में अपने माँ बाप और 3 बहनों के साथ रहता था। मकान मालिक रामफूल से भी पुलिस सवाल कर रही है, साहिल के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। साहिल जिस इलाके में रहता था वहां उसके पड़ोसियों को भी यकीन नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है। इस इलाके में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। बताया जा रहा है साहिल की जून 2021 में साक्षी से दोस्ती हुई थी और 23 में उसने साक्षी का कत्ल कर दिया। कत्ल से पहले साक्षी नीतू नाम की महिला के घर पर रह रही थी। नीतू को भी साहिल के बारे में पता था। उसका कहना था कि साक्षी और साहिल एक दूसरे को 3-4 साल से जानते थे और दोनों के बीच काफी समय से लड़ाइयां चल रही थी। फिलहाल साहिल को बवाना थाने में रखा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साहिल को किसी बात का पछतावा नहीं है। बस मैं तो यही कहूँगा कि शर्मिंदा है इस दौर के इंसान होकर। यहाँ ना मोहब्बत है, ना मरबत है, ढोंगी है, ड्रामेबाज है। और देखो ना उसने बच्ची को कैसे इमोशनल किया होगा और इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है, इससे बड़ा क्या पाप हो सकता है। मैं तो सोसाइटी को भी कहूँगा कितने लोग खड़े थे, उसने तोप थोड़ी बीड़ी हुई थी, कुछ भी हो उसको घेर लेते, उसी वक्त धर लेते। लोग भी है, वीडियो कोई बना रहा है, कोई देख रहा है दर्शक बन के। इतनी तकलीफ हुई है देख के वीडियो कि हम कहाँ से, हमारी ये संस्कृति नहीं थी। अरे हम योद्धाओं की धरती है। सबको मैं बेनती करता हूँ आपके माध्यम से, सोसाइटी वाले, समाज वालों, मेरे प्यारे भाई बहनों, बच्चों, जवानों, कोई ऐसा सीन देखते हो तो दर्शक ना बनो, मूक दर्शक पकड़ लो उसी वक्त। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।